minute. Yes, sir. Maliye Prabhav Ji Mahodaya. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि जब से देश में एनडीए की सरकार बनी है पिछले चार महीनों में पूरे राष्ट्र में एक भाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की योजना के बारे में फैल गई है इस योजना को सरकार बंद करने जा रही है इसका मैं परिवर्तन करने जा रही है जिस योजना के प्रारंभ होने पर देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला था सरकार की मंशा साफ नहीं है मैं माननीय उपसभापति महोदय ये कहना चाहूँगा कि पिछले चार महीनों में मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ छत्तीसगढ़ के पिछले चार महीनों में अनेक जिलों में उन मजदूरों को जिन्होंने काम किया उन्हें मजदूरी नहीं मिली लगातार वे मांग करते जा रहे लेकिन मजदूरी देने में मालूम नहीं सरकार के पास भी कौन सी ऐसी कमी आ गई मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा इस योजना की शुरुआत जब की गई थी उस योजना की शुरुआत करने के पीछे यह था कि कम से कम 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को मिले जिन्हें रोजगार के अवसर मिले एक तरफ सरकार रोजगार को ख़त्म करने जा रही है और एक तरफ कह रही है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे सरकार की मंशा बहुत साफ नहीं है ऐसा लगता है कि इस योजना को बंद करने के पीछे जो योजना है मजदूरी में कटौती करने की बात कही गई है और उसमें कहा गया है कि जो वहाँ काम चल रहे हैं उसमें 50% या 49% के आसपास लोगों को मटेरियल में उपयोग किया जाए माननीय उपसभापति महोदय मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वे इस बारे में विचार करें और जो भ्रम की स्थिति पूरे देश में आज व्याप्त है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को सरकार शने शने बंद करने जा रही है उसमें परिवर्तन करने जा रही है भ्रम को उनको दूर करना हो चाहिए तभी जाकर लोगों होगा लोगों को रोजगार मिले मैं तो कहूँगा कि 100 दिन से अधिक का रोजगार उनको मिलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी अब जब अपना जवाब देंगे तो इन बातें भी स्पष्ट करेंगे कि रोजगार गारंटी योजना को समाप्त नहीं किया जा रहा है और लोगों को मजदूरी जहाँ महीनों से मजदूरी नहीं मिली है उस मजदूरी को लोगों को बराबर दिलाया जाएगा धन्यवाद।